साथियों और दोस्तों, राष्ट्रवाद हमारे लिए क्या है यह समझना जरूरी है। जब हमने भारत की आन बान और शान तिरंगा हाथों में लिया तो उसके पीछे हमारा संदेश क्या है, हमारा मकसद क्या है, हमारी पहचान, हमारा तिरंगा अगर हम हाथों में लेके चल रहे हैं तो हमारे लिए भाईचारे का मकसद भी हमें समझाना पड़ेगा। भाईचारा हमारे लिए राष्ट्रवाद है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए हमारे लिए राष्ट्रवाद हमारे इन छोटे छोटे बच्चों की अच्छी शिक्षा है, मुफ्त में शिक्षा हो, विश्व स्तरीय शिक्षा हो, अच्छे स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़े, ये हमारे लिए राष्ट्रवाद है। हमारे लिए राष्ट्रवाद गांव का गरीब किसान हो, मजदूर हो, रिक्शा चलाने वाला हो या ऑटो चलाने वाला हो, उसके घर में अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, निःशुल्क मुफ्त में उसका इलाज हो, यह हमारे लिए राष्ट्रवाद है। हमारे लिए राष्ट्रवाद है गरीब की झोपड़ी में 24 घंटे रोशनी रहे और वो रोशनी जब दी जाए तो उसका कोई पैसा न वसूला जाए, मुफ्त बिजली की जरूरत दी जाए, ये हमारे लिए राष्ट्रवाद है। हमारे लिए राष्ट्रवाद है किसान जब अपना खून पसीना बहा के अपनी फसल पैदा करता है, उसको बाजार में लेके जाता है, मंडियों में उसको धक्के खाने पड़ते हैं, कई बार मजबूर होकर वो आत्महत्या कर लेता है, उसको गन्ने का दाम नहीं मिलता, गेहूं का दाम नहीं मिलता, धान का दाम नहीं मिलता, दाल का दाम नहीं मिलता, हमारे लिए राष्ट्रवाद है उस किसान को उसके फसल का दाम मिलना चाहिए, यह हमारे लिए राष्ट्रवाद है। हमारे नौजवान साथी जो अपने लिए रोजगार मांगने निकलते हैं तो उनको लाठियों से पीटा जाता है, उनको बर्बरता पूर्वक दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है, उन पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उनको राष्ट्रद्रोही बनाया जाता है। लेकिन हमारे लिए राष्ट्रवाद है उन नौजवानों को नौकरी दिलाना और मुख्य धारा में उनको लाना। माताएं बहने शाम को निकल नहीं सकती रात की बात को दूर की, आज यह हालत हो गई है उत्तर प्रदेश में, 8 साल 10 साल 12 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं आती है तो आंख से आंसू आ जाता है। हाथरस कांड आज भी याद कीजिए, एक गरीब की बेटी को रात में 2 बजे जला दिया गया, आप सोचिए तो आपकी आत्मा हिल जाती है। हमारे लिए राष्ट्रवाद है हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा, हमारे लिए राष्ट्रवाद है माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा होनी चाहिए। हमारे लिए राष्ट्रवाद है बुजुर्ग जो लाठी लेकर चलता है, कई बार उसके परिवार वाले उसको छोड़ देते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता उसको छोड़े नहीं, उसकी पेंशन 2 गुना 3 गुना की जाए, बुढ़ापे में तो इसलिए आज हम लोगों को तय करना है कि जो तिरंगा यात्रा कल लखनऊ में निकली, ये तिरंगा यात्रा उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी निकलनी चाहिए और अपने राष्ट्रवाद का संदेश साफ तौर पे जनता के बीच में दीजिए। जो राष्ट्रवाद की परिभाषा देश को तोड़ने वाले लोग दे रहे हैं उनके खिलाफ राष्ट्रवाद की समरसता की, भाईचारे की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता की जो राष्ट्रवाद की अवधारणा है उसको पहुंचाने का काम आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करेगा। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।